तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो या तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जिसमें हम ज्योमेट्री की हेल्प देते हैं, यानी कार्टेशियन प्लेन जैसा ही सिस्टम देते हैं। एक होता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म है सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ओके, आज ये दोनों चीजें हमें करनी है, राइट। हम जिस तरह से कार्टेशियन प्लेन में एक प्लेन को डिवाइड करते हैं फोर पार्ट में, और हम कहते हैं ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस तरह से यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम इसी तरह से करते हैं। जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो हम कहते हैं रियल पार्ट इज a एंड इमेजिनरी पार्ट इज b। तो अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये a b के फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि पहले जो है वो रियल पार्ट ऑफ इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और जो सेकेंड पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ऑर्डर पेयर जिस तरह से वहां पे होता है ना एब्सिस्टा और ऑरिएंट, वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, पहले आता है रियल पार्ट और दूसरा आता है इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर हमें कोई कहे कि द ऑर्डर पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 माइनस 4, तो हम इसे कहेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 माइनस 4 आयोटा। सिंपल एज दैट ऑर्डर पेयर, द फर्स्ट वन इज एब्सिस्टा, द सेकेंड वन इज ऑरिएंट, दोनों को मिलकर हम कहते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्स्ट पार्ट इज रियल पार्ट, सेकंड पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट, एंड बोथ ऑफ देम कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका मतलब ये हुआ जो एक्सिस है वो तो रियल एक्सिस हो गई अपनी, वो हो गई रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो हो गई अपनी इमेजिनरी एक्सिस। सो रियल एक्सिस जो है वो एब्सिस्टा, या एब्सिस्टा जो है वो रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, व्हेयरएज ऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये दोनों चीजें बिल्कुल सिंपल है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से। अगर हम देखें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 2 आयोटा है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसमें माइनस 1 और रूट 2 का जो है वो ऑर्डर पेयर है। माइनस 1 रिप्रेजेंट करता है माइनस 1 प्लस रूट 2 आयोटा, यानी 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉइंट डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमें मालूम है ये रियल एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, इमेजिनरी एक्सिस है, अपवर्ड पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड्स नेगेटिव होती है, और टू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव होती है ओरिजिन के, बिल्कुल जैसे कार्टेशियन प्लेन होता था, बिल्कुल वैसे ही, बहुत सिंपल, राइट। इसका जो पोलर फॉर्म है वो आज अपने को सीखना है। पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म्स में किसी का रिप्रेजेंटेशन। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और क्योंकि a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो हम इसकी लोकेशन लगभग यहाँ पे मान लेते हैं, दिस वन इज ए बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द फर्स्ट क्वाड्रेंट द एक्सिस इज a, दैट मींस दिस पार्ट इज a, दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज b। तो इस पॉइंट c का अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें तो वो इसका मॉडुलस कहलाता है ना, मॉड। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया ही था कि मॉड जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है इस रेक्टेंगुलर ट्रायंगल का, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव भी होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसमें नेगेटिव साइन का तो कोई रूल ही नहीं है, तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, R, दैट इज व्हाट द मॉडुलस ऑफ z, द मॉड ऑफ z, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए ना, अगर अपने पास में एक नंबर हो ए बी, या एक नंबर हो हमारे पास में माइनस ए बी, या माइनस ए माइनस बी, या फिर a माइनस बी, इन सब केसेस में, इन सब केसेस में z will remain the same। चेक कीजिए, इन सब केसेस में the distance of these points from the origin will remain the same। चाहे वो ab हो, चाहे वो minus ab हो, चाहे वो minus a minus b हो, या वो a या minus b हो, यानी वो चाहे first quadrant में हो, चाहे second quadrant में हो, या third quadrant में, या fourth quadrant में, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस का, क्योंकि यहाँ पे a square plus b square minus a का square plus b का square माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, या कुछ भी ऐसा करें, तो आपके पास में आर, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ जेड है, जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन है, वो सेम आने वाला है सब केसेस में, है ना। क्या अंतर आएगा? अंतर आएगा एंगल का, एंड अंतर आएगा एंगल का कि एंगल किस एंगल पे वो रिप्रेजेंट होगा। इस एंगल को, यानी कि जो
थीटा बनाता है ओपी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये थीटा ये एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट या जनरली इसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। जनरली आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है ए आर जी जेड, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ए एम पी जेड यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो हमारे पास क्या चेंज हुआ, आर तो चेंज हुआ नहीं किसी भी पोजिशन में, चाहे आप फर्स्ट क्वार्ट में सेकेंड में या थर्ड में या फोर्थ में, लेकिन हाँ थीटा या आर्गुमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना उसका पोलर फॉर्म कहलाता है। पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं, अगर जेड अपने पास ए प्लस आयोटा बी है, यहाँ पे इसी केस की बात करते हैं, चलो इसी पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए ना कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यानी कि वो ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है रेशियो ऑफ कॉस थीटा, सो कॉस थीटा शुड बी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ राइट नाउ वी हैव जस्ट रिकैप्चर्ड आवर मेमोरी दैट आर दैट मींस द मॉडुलस ऑफ जेड इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस b square. So in short we can say cos theta is a upon r. Similarly in the same figure if you want to find out the sin theta, so hum keh sakte hain sin theta is b upon r. Sin theta is b upon r. तो हम कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है वो r cos theta plus iota sin theta होता है। आर साइन आयोटा आर साइन थीटा होता है। चेक कीजिए ए की जगह क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, व्हाट ए विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, व्हाट बी विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, या आर इसमें कॉमन ले सकते हैं हम तो लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस वन इज व्हाट अगेन द पोलर रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का, इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं और इसी का डिस्कशन होगा। देखिए सिंपल, सबसे पहले आपको ये बात समझना चाहिए थी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में कहें तो हम ए को हम इस क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड को हम आर कहते हैं तो हम कह सकते हैं ए अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिंपल है ना, ए को रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या कह सकते हैं आर कॉस थीटा। इसी तरह से बी को रिप्लेस करेंगे तो बी अपॉन आर जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब बी जो है वो हमारा आर साइन थीटा है। हम कह रहे हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी होता है, ए की जगह हम आर कॉस थीटा लिख लें, बी की जगह हम आर साइन थीटा लिख लें, तो हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कहेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को ही हम पोलर फॉर्म भी कहते हैं। दैट दिस इज व्हाट द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पोलर फॉर्म है, ठीक है। अब इस पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। सो दिस वन इज द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द पोलर फॉर्म इज दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मॉडुलस ऑफ जेड और एक आर्गुमेंट ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी कह सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड यानी कि थीटा, दो चीजें चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक चाहिए मॉडुलस ऑफ जेड और एक चाहिए थीटा, ठीक है। अब थीटा निकालने की बात करते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं। हमें मालूम है कोई भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसपे साइन 1/2 हो, मान लीजिए जैसे, तो 1/2 हमारे पास में हजारों लाखों मतलब वैल्यूज है जहां पे साइन जो है वो 1/2 होगा।
ऐसा एंगल जहां पे साइन का रेशियो 1/2 होता है, वैसे हमारे पास में बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे समझाया जाता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप आर्गुमेंट निकालें यानी कि उसका थीटा निकालें, तो आपकी रेंज माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में होनी चाहिए। दोबारा से, थीटा शुड बी ग्रेटर देन माइनस पाई बट शुड बी लेस देन और इक्वल टू पाई। यानी हम जब प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते थे, चलो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो हम कहते हैं वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन पोलर फॉर्म में हम ये कहते हैं कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास में थीटा की वैल्यूज जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग माइनस पाई इंक्लूडिंग पाई, एक्सक्लूडिंग माइनस पाई इंक्लूडिंग पाई होनी चाहिए। इसका मतलब हम यहां से इतना से घूमें बस इसके बाद नहीं जा सकते, क्योंकि उसने बोला पाई तक जा सकते हो, पाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन पाई, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू पाई। तो लेस देन और इक्वल टू पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम मूव करेंगे तो इस तरह से मूव करेंगे, और अगर हमें माइनस पाई कह रहा है तो माइनस पाई का मतलब हुआ वो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहां तक जाएगा। यानी हम दो ही तरीके से घूम सकते हैं, यहाँ पे हम पाई प्लस नहीं कर सकते क्योंकि पाई से ज्यादा के टर्म्स में हम पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। पोलर फॉर्म का वापस से बता रहा हूं, देखो अगर हम प्रिंसिपल वैल्यूज से बात करें तो प्रिंसिपल वैल्यूज में हम 0 से 2 पाई का पूरा घूम जाते हैं, 0 से लेकर 2 पाई का पूरा घूम जाते हैं। लेकिन पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, 0 से पाई तक इंक्लूडिंग पाई और 0 से माइनस पाई यानी माइनस पाई जिसमें इंक्लूड नहीं होता उसमें घूमते हैं, यानी कि इस टर्म्स में हम एंगल देते हैं। यहाँ पे यश ने एक दिन पूछा भी था मेरे से कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, वो भी अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो सकता है यहाँ पे हो जाए, लेकिन मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ डालूंगा अभी आपको, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12 का सेकंड चैप्टर है। हमने इस साल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12 का सेकंड चैप्टर है, तब पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूंगा यहाँ पे, क्योंकि बुक्स में आपको यहाँ पे शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में भी मिलेंगे बुक्स में आपको। खैर अपने को क्या करना है, ए शॉर्ट ये दो चीजें याद रखनी है, क्या आर ओ थीटा आपको हम पहले से निकालते आ रहे हैं, थीटा कहाँ लेना है, थीटा आर्ग्यूमेंट होता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा जिसे कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा जो है वो माइनस पाई से लेकर के पाई तक होता है, यानी इंक्लूडिंग पाई और एक्सक्लूडिंग माइनस पाई, ये होता है, ये ध्यान रखेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें एक पोलर फॉर्म के लिए। एग्जाम्पल लेता हूं, चलो ठीक है एग्जाम्पल ले, मान लीजिए किसी ने कहा 1/√3 आयता का आपको पोलर फॉर्म बताना है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा, है ना। हम ये कह रहे हैं कि चलिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए आर, एक चाहिए आर, क्योंकि पोलर फॉर्म हमारे पास में है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आर चाहिए हमें, आर जो है वो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ जेड होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चेक करते हैं यहाँ पे, ये जाएगा 1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, 1 + 3 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2, प्लस माइनस नहीं लिखते प्लस ही लेते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, सो ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड दैट मीन्स आर, पहली बात तो आ गई। अब दूसरी बात पे आते हैं, है ना, थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा के लिए अलग अलग हम टर्म्स में देखें तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती है क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव थीटा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम दोनों एक बार कंसिडर करते हैं, मैं दोनों सिखा रहा हूं फिर बाद में इसको मर्ज करना भी सिखाऊंगा आपको, एक बार समझिएगा पहले पहले में, ठीक है। हमने कहा था कि कॉस थीटा जो है वो ए अपॉन आर होता है, यानी यही कह लीजिए एक्स अपॉन आर होता है, कुछ भी ले लें, है ना, ए अपॉन आर यानी कि 1/2 यहाँ पे, और साइन थीटा जो है वो बी अपॉन आर होता है, तो बी अपने पास है √3 और आर है अपने पास में 2, सो अपने पास में कॉस थीटा हो गया 1/2 और साइन थीटा हो गया √3/2, ठीक है यश अब बात समझिएगा, बुक्स में क्या करा हुआ है, बुक्स में ये करा हुआ है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की डिग्री ने टैन थीटा के टर्म्स में उसने पता करा और उसकी वैल्यू दी, जैसे उसने कहा कि अगर हम इस केस में देखें तो टैन थीटा क्या हो गया साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो अपने पास √3/1 आ जाएगा टैन थीटा, सो व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू,
थीटा इज इक्वल टू टैन उसमें जाएगा तो ये हाँ बिल्कुल ये टैन इनवर्स हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये टैन इनवर्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये ट्वेल्थ में हम पढ़ते हैं तो इसलिए सॉरी इस समय मैं इसको इतना एनकरेज नहीं करूंगा कि इनकरेज कि भी ये आप लिखें या इस तरह से चले या टैन के फॉर्म में चले। तो मैं एक बहुत सिंपल सा रास्ता बता रहा हूँ आपको कि दोनों को सेटिस्फाई करने वाली थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है चलिए, तो हमें बताया गया कि साइन और कॉस की वैल्यू ये है। अब देखिए अगर हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा है वो थीटा है आ रहा है, लेकिन हम अगर सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं थीटा तो हमारे पास में थीटा होना चाहिए पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं पोलर फॉर्म के लिए तो हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा निकालेंगे तो पाई माइनस थीटा करेंगे, है ना। इसी तरह से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें यहाँ पे तो मिलेगा माइनस थीटा, लेकिन इस थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम पाई प्लस थीटा नहीं करते। पाई प्लस थीटा किस में करते थे? प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए हम करते थे। तो यहां पे हम क्या करेंगे माइनस पाई माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा इस साथ है प्रॉफिट, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस थीटा। चेक कीजिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा निकालने का तरीका अगर हमें यह समझ में आ गया है तो आपको टैन इनवर्स के चक्रों में नहीं पड़ना पड़ेगा। दोबारा से बोलूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा थीटा ही होता है, पॉजिटिव होते हैं ऑल आर पॉजिटिव राइट। इन सेकंड क्वाड्रेंट किसी भी एंगल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं पाई, ये पाई है पाई माइनस थीटा करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाती है। थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हम पाई प्लस करते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यूज पे करते हैं। हम यहां पे देखिए हमारी रेंज में नहीं है, हमारी रेंज में ही नहीं है पाई प्लस, हमारी रेंज है द थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू पाई, इट कैन बी लेस देन और इट कैन बी इक्वल टू पाई, तो लेस देन होना चाहिए। तो अब वापस आते हैं इस पे, थीटा शुड बी ग्रेटर देन माइनस पाई, यानी कि अगर हम चले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे तो माइनस थीटा होगा क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं माइनस थीटा होगा, और यहां चले तो हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस थीटा में से थीटा को माइनस करेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो हमें ये चार क्वाड्रेंट अगर हमें समझ में आ गए हैं तो बहुत आराम से समझ सकते हैं कि ऐसा थीटा जिस पे कॉस 1/2 और साइन 3/2 हो और दोनों पॉजिटिव हो, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, द पॉइंट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑफ कोर्स बोथ आर पॉजिटिव, द रियल पार्ट इज पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमारे पास में क्या होगा दोबारा कोई कुछ बोल रहा था सर 30 और 60 cos 30 sin 60 हाँ सही है। सो cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है, sin भी 1/√3/2 60 पे होता है, तो थीटा क्या हुआ पाई बाय 3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा थीटा ही रहता है, ना प्लस करना पड़ता है ना कुछ माइनस करना पड़ता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इनफैक्ट पॉजिटिव होता है ऑल आर पॉजिटिव। तो अगर हम इसका पोलर फॉर्म देखें तो हमारे पास पोलर फॉर्म था आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू यानी कि जो हमारे पास में इसका मॉडल आता है वो था 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, या यूं कह लीजिए ये इसका पोलर फॉर्म है। एक और एग्जांपल लेते हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या समझाया गया। देखिए बात को समझिएगा और टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री एकदम क्लियर कीजिए वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इलेवेंथ में हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर चुके हैं, पोलर फॉर्म तो उसके बाद आया है। -1 + √3 आएगा, -1 + √3 आयोटा। सबसे पहली बात आपको चाहिए आर, आर का मतलब है मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है मॉड ऑफ जेड, सो मॉड ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है,
अभी अभी बात हुई थी कि ए बी हो माइनस ए बी हो माइनस ए माइनस बी हो सॉरी एंड ए माइनस बी हो कुछ भी हो, आपके पास इसका जो मॉडल है वो टू ही आएगा। ठीक है, टू आ गया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। हमने कहा कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो अपने पास हो गया ए अपॉन आर। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो हो गया बी अपॉन आर। इस केस में ए है माइनस वन और आर है टू, और साइन के केस में देखें तो रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, अब फॉरगेट अबाउट द साइन, अगेन आंसर देंगे। अ सिंपल मैनर टू फाइंड आउट द थीटा, छोड़ दो कि ये प्लस है ये माइनस है, कब होता है कॉस वन बाय टू और साइन रूट थ्री बाय टू। एक बार देखिए, भूल जाओ ये माइनस है। साइन रूट थ्री बाय टू कॉस वन बाय टू कब होता है? पाई बाय थ्री। पाई बाय थ्री 60 डिग्री पे। तो हमने कहा थीटा तो क्या है? पाई बाय थ्री है। थीटा जो है वो पाई बाय थ्री है। अब देखिए फॉरगेट अबाउट द टैन इनवर्स थीटा एंड ऑल, मैं बता रहा हूं सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है। आप सोचिए ना, अगर आपका रियल पार्ट नेगेटिव है और पॉजिटिव है, अपने पास में इमेजिनरी पार्ट यानी ये नंबर माइनस वन रूट थ्री के फॉर्म में तो लिखा जाएगा, माइनस वन रूट थ्री के ऑर्डर फॉर्म में तो लिखा जाएगा। माइनस वन रूट थ्री कौन से ऑर्डर में होगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में? एक्सिस इज नेगेटिव, ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट अगर हम इसका देखकर देखें तो पाई माइनस थीटा होना चाहिए, यानी कि पाई माइनस पाई बाय थ्री पे होना चाहिए। इसका मतलब टू पाई बाय थ्री इसका थीटा है, या यूं कह लीजिए आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो एक्चुअल में टू पाई बाय थ्री है। देखो टू पाई बाय थ्री पे क्या होगा? कॉस होगा नेगेटिव, साइन होगा पॉजिटिव। कॉस होता है नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव, याद है ना? देखो ये था ऑन, ये था साइन, ये टैन और ये कॉस। ऐसे भी समझिए, देखिए बहुत आराम से समझ में आएगा। रियल नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये पाई बाय थ्री नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए पाई माइनस पाई बाय थ्री, क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें कॉस मिलेगा नेगेटिव, साइन मिलेगा पॉजिटिव, यानी कि टू पाई बाय थ्री। सो अगर हम इसका पोलर फॉर्म देखें तो आर यानी कि टू और ब्रैकेट में कॉस थीटा यानी कि कॉस टू पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन टू पाई बाय थ्री होना चाहिए। आयोटा साइन टू पाई बाय थ्री होना चाहिए, ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। आप इसकी कॉस टू पाई बाय थ्री और साइन टू पाई बाय थ्री की वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हो, आपके पास ये ही आएगा, माइनस वन प्लस टू थ्री आयोटा ही आएगा। ये इसका पोलर फॉर्म है। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे वैसे।